हमारे पास प्रूफ है। थैंक यू सर। कैसे उनके दलाल लोग थे जिन्होंने ये काम किया, ऑफर कर रहे थे पैसा, कई लोगों ने पैसा लिया नहीं है, वो प्रूफ मेरे पास में है, मेरे पास बैठे हुए लोग हैं, मना कर दिया। क्या सुनना चाहते ये मीडिया हमारे, ये देश का मीडिया क्या सुनना चाहता है? इनको कांग्रेस से और गांधी परिवार से, इनको व्यक्ति की नाराजगी है, अपने दिल में रखिए। वो जिस मुल्क में डेमोक्रेसी खत्म करने की साजिश हो रही है, धनबल के आधार पर खरीदे जा रहे हैं MLA, क्या मीडिया चौथा स्तंभ कहलाता है, उसकी ड्यूटी नहीं है क्या आवाज उठाए? ऐसे ऐसे मीडिया के लोग बैठे हैं देश के अंदर, उनके पास धन की कमी नहीं है, बल की कमी नहीं है, फाइनेंस होते हैं लोग केंद्र सरकार से, बीजेपी से मिली भगत करते हैं। नई पीढ़ी के लोग आए हैं मीडिया के अंदर, अच्छे एंकर हैं, मुझे गर्व है कि देश के अंदर अच्छे एंकर हैं, नई पीढ़ी के लड़के लड़की हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, उनको चाहिए ईमानदारी के साथ दे। उनकी जिंदगी लंबी पड़ी हुई है, उनको भूलना नहीं चाहिए कि लंबा जिंदगी बिताना देश के हित के अंदर, देश को एक रखना है, अखंड रखना है, डेमोक्रेसी किसी कीमत में खत्म नहीं हो। 76 साल तक कांग्रेस ने देश में डेमोक्रेसी बचाए रखा है, पाकिस्तान इधर नहीं होना चाहिए देश को। अब जो लोग आए वो डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, खरीद रहे लोगों को, और ये आपके यंग पीढ़ी के लड़के लड़की हैं, एंकर बने हुए हैं, या आपका मीडिया के जो बड़े लोग भी हैं, तमाम लोग जो है एक तरफा न्यूज चला रहे हैं, पूरी मेजोरिटी यहाँ बैठी हुई है, तरह तरह की खबरें चला रहे हैं वो लोग। क्या हॉर्स ट्रेडिंग करने वालों को पसंद करेंगे वो लोग? हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, पैसा बढ़ा, लाखों करोड़ों रुपए बढ़ रहे हैं। परसों के रोज में डीलिंग कही जा रही थी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, हमारे पास खबर है, हमारे पास प्रूफ है, उसका ही प्रूफ है, 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति हो रही है, SOG ने नोटिस दे दिया आपको, मुझे नोटिस दिया SOG ने, हमने कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से, 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहाँ होटल के अंदर। मुझे अच्छा लगा क्या 10 दिन रखे, किसे कहते हैं? अगर उस वक्त नहीं रखते हम लोग, अब जो हुआ है खेल मानेसर वाला, गुड़गांव वाला, वो खेल उस वक्त होने वाला था, रात को दो बजे रवाना किए जा रहे थे लोगों को, इन्हीं लोगों को रवाना किया जा रहा था। करने वाले कौन थे, सफाई कौन दे रहे थे कि कुछ हो ही नहीं रहा था? सफाई वो ही दे रहे थे नेता जो खुद षड्यंत्र में शामिल थे, षड्यंत्र के पार्ट थे। हमारे यहाँ पर डिप्टी CM हो, PCC प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे अगर मान लोगों से, मोबाइल नंबर दीजिए हमें, नाम दीजिए हमें, षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं, नहीं हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? ऐसी स्थिति में देश चल रहा है, क्या ये चौथे स्तंभ की जिम्मेवारी नहीं है तुम लोगों की? बीजेपी कैमरा लेके खड़े होते तुम लोग, हमें खुशी होती है, धूप में बरसात के अंदर खाना मिले नहीं मिले तंग आते आप लोग, आपकी मजबूरी है। आज हालत ऐसी बना रखी है मोदी सरकार ने कि नौकरी जा रही तुम लोगों की, तनख्वाह कम हो रही है, हम सरकार मदद कर रहे हैं आप लोगों की, भाई तनख्वाह बच जाए कम से कम इनकी, प्रदेश में मैं मदद कर रहा हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लोग मजबूरी में काम कर रहे हो और आपको हेडलाइन चाहिए बस, हेडलाइन बनाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे भले ही न्यूज गलत दो, कुछ भी करो, डेमोक्रेसी कमजोर तो होने दो, हॉस्टल हो तो होने दो, खरीदारी हो तो होने दो, भले ही ये आपकी ड्यूटी है क्या? ये छापे क्यों पड़े परसों? आज बताइए परसों छापे क्यों डाले इनकम टैक्स के? आप CBI, इनकम टैक्स, ED, दुरुपयोग करना आप डराओगे लोगों को? कहाँ डेमोक्रेसी रह रही है? ये खतरे हैं, खतरे हैं। हम तो 30 बार मुख्यमंत्री बन गए, 40 साल से अधिक राजनीति करते हो गए, इस नई पीढ़ी जो आई है हम उनको प्यार करते हैं, आने वाला कल उनका है,
आने वाला कल उनका है। मैंने एक दिन कहा कि 40 साल जो आज लीडरशिप है देश के अंदर हम लोगों की, 40 साल पहले की, उनकी खूब रगड़ाई हुई थी यूथ कांग्रेस में, एनएसए में, लेकिन 40 साल के बाद भी हम जिंदा हैं। कोई पीसीसी प्रेसिडेंट, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई एआईसीसी महामंत्री और कोई आपका केंद्रीय मंत्री बने, जिंदा 40 साल बाद रहे हम लोग। कि नई पीढ़ी जो आई है जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है, गवाह है हमारी जब मीटिंग होती है तो मैं लड़ी लड़ता हूँ यूथ के लिए, एनएसयू के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए। आज आप बताइए, मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी इसलिए आज तकलीफ होती है, ये समझ नहीं पा रहे इनको, केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसी अध्यक्ष बन गए, अगर रगड़ी होती तो और अच्छा ढंग से काम करते थे। और मैंने ये भी कहा आज हमसे अच्छा काम ये कर सकते हैं, हमारा जमाना तो था कोई कम्युनिकेशन नहीं था, आज तो आईटी आ गया, मोबाइल फोन है, सब मीडिया है, ये हमसे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते देश के लिए, देश का फ्यूचर इन पर डिपेंड करता है। ये खुद ही अगर ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे ये नई पीढ़ी के लोग, तो देश को बर्बाद नहीं करेंगे क्या? क्या मीडिया को दिखता नहीं बात है? क्या मीडिया को नहीं दिखता ही बात? आप बताइए ना, मीडिया को दिखता नहीं है क्या ही बात? किसकी बात कर रहे हैं? कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छे हैंडसम पर्सन की वजह सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, आप समझ गए? सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, समझ जाओ आप लोग। नमस्कार, जय हिंद।